मक्का यानी के कौंस में बीटा कैरोटीन होता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी और कई महत्वपूर्ण एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सभी तत्व स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, साथ ही एंटी एजिंग प्रभावों के कारण या स्किन को जवां भी रखता है। मक्का खाने के कई स्वास्थ्य लाभ और भी हैं। मक्का खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और मक्का खाने से दिल से जुड़ी कई बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है, पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, मूत्र संबंधी बीमारियों में औषधि की तरह काम करता है, शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी को दूर करता है, शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर करता है यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है, आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कई बीमारियों से हमारी आँखों की रक्षा करता है, हमारे वजन यानी कि वेट को नियंत्रित करता है, आयरन की कमी को पूरा करता है, एनीमिया से बचाव करता है, हृदय स्वास्थ्य में फायदेमंद है, पाचन को दुरुस्त करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। मकई का सेवन हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम कर सकता है, शरीर में फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है, जब ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है, यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियमित बनाने में मदद करता है। अगर आप लंबे समय तक जवान रहना चाहते हैं तो मकई का आटा या मौसमी भुट्टे यानी कि मकई जो भुट्टा होता है या किसी भी रूप में इसका सेवन लगातार करें, आपको कई स्वास्थ्य लाभ देंगे। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार मकई या मक्के का नियमित सेवन शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। यह पाया गया है कि स्वीट कॉर्न और मकई की तेल इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करता है, शरीर में रक्त के प्रवाह को भी बढ़ाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। मक्के की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, सर्दी के दिनों में इसका सेवन गांव देहातों में खूब किया जाता है, शरीर में खून की कमी में सुधार करने के लिए भी मक्के की रोटी का सेवन किया जा सकता है। मक्के की रोटी गेहूँ की रोटी की तुलना में आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है और आपके पाचन स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। आयुर्वेद के अनुसार भुट्टा बलवर्धक होता है और पुरुषों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, मर्दों में होने वाली कई कमियों को दूर करता है, पित्त और कफ की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए बरसात और सर्दियों के मौसम में भुट्टा ज़रूर खाना चाहिए। फाइबर से भरपूर होने के साथ ही भुट्टा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से युक्त होता है, यह आपके दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हड्डी के मजबूती के लिए बेहतर है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है और आपको जब